वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे चेंजिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। किसी रो का हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं और कॉलम का विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाइट मींस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हाइट है इसका, रो का पहले हाइट चेंज करते हैं। ये एक रो है, इसका हाइट हमें चेंज करना है। तो उसके लिए हम जिस पॉइंट से हाइट चेंज करना चाह रहे हैं उसके नीचे वाले जो रो है उसके बीच पे आ जाएंगे, जहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का साइन बनेगा। बस फिर माउस से हमें लेफ्ट क्लिक करना है और छोड़ना नहीं है उसे, और ड्रैग करना है नीचे की तरफ। जितना नीचे करेंगे उतना रो का साइज बढ़ेगा, जितना ऊपर करेंगे उतना रो का साइज घटेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए ये इतना हाइट इतना हो गया रो का, ये रो हाइट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से अगर हमें कॉलम का साइज चेंज करना है, जैसे कि ये सी कॉलम है, हम चाहते हैं कि ये और थोड़ा इस साइड बड़ा होकर के दिखे, तो सी और डी के बीच में जो लाइन है वहां तक वहां पे जाएंगे, इस तरह का साइन बन जाएगा। उसके बाद हमें बस वहां पे लेफ्ट क्लिक करना है माउस से और ड्रैग करना है, खसकाते जाना है। जितना दूर हम लेके जाएंगे उतना बड़ा हो जाएगा ये वाला रो, तो रो का साइज इतना, यानी कि रो का विड्थ इतना बढ़ गया। और हम पीछे करेंगे तो खसक भी सकता है। अभी इसे रिस्टोर कर देते हैं। ये सिंपल तरीका था। और भी तरीका है हमें रो और कॉलम हाइट चेंज करने के लिए, लाइक अगर हम चाहते हैं कि ऑटो सेटअप हो जाए, लाइक अगर यहाँ पे हम पहले रो का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ये रो का साइज इतना ज्यादा हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जितना मेरा कंटेंट यहाँ लिखा है, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली रो का हाइट अरेंज हो जाए, तो हम यहाँ क्लिक करके रो को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ ऊपर में फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे एक बटन है ऑटो फिट रो हाइट, ये तो ये ऑटोमेटिक देख लेगा कि कितना हाइट रखना चाहिए। ऑटो फिट किए, ये ऑटो फिट हो गया, देखिए वापस अपने आप ही आ गया, जितना हाइट वर्ड्स का था मेरा उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। ठीक है, सो ये ऑटो फिट रो हाइट हो गया। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं ऑटो फिट कॉलम करना, कॉलम विड्थ को, तो अगर हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, पहले सिटी का इतना साइज हो गया, जबकि इतना काम को जरूरत नहीं है। तो ऑटो फिट सेट करने के लिए बस हमें क्लिक करना है, यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करना है, अगेन फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ लेंगे। सो कॉलम विड्थ लिए, अपने आप देखिए कॉलम का विड्थ अरेंज हो गया। ओके, सो इस तरीके से हम ऑटो फिट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम चाहे तो रोज के या कॉलम के हाइट डिफाइन करके भी रख सकते हैं, मतलब एक फिक्स वे में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इतने सारे रोज हैं, इतने रोज के हाइट थोड़े अलग हो, थोड़ा ज़्यादा हाइट हो इनका, तो हम फिर इतने को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे हम रो हाइट लेंगे, और रो हाइट में हम अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक हम 25 डाल रहे हैं, तो ये जो रो है सबका हाइट जो हो गया 25 का हो गया। ठीक है, 25 पिक्सल का इसका हाइट हो गया। अगर हम कॉलम के साथ ये चाहते हैं, अभी हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, अगर हम कॉलम के साथ ये चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स जितना हमको चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम हेडिंग पे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के जिस कॉलम पे हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें कॉलम विड्थ लेंगे और हम इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएगा। लाइक हम 25 डाले हैं, 25 इसका सब तीनों का विड्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम रोज एंड कॉलम के विड्थ को चेंज कर सकते हैं।